कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है भावना चौधरी। तो यार, इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छी खासी सेल हो रही है आजकल। जहां पहले लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से डर रहे थे, अभी क्या हो रहा है, अगर भाई आप सेल्स के आंकड़े देखेंगे तो अच्छी तरह से ईवी जो सेगमेंट है वो काफी बूम कर रहा है। आज मैं आपसे एक ऐसे स्कूटर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो 90s के टाइम में हमारे जो मम्मी पापा है वो भी यूज किया करते थे। मतलब आप लगा लो, हर घर में लगभग यह स्कूटर आपको देखने को मिल जाता था 90s में। तो अभी क्या है, अभी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है इस स्कूटर का इलेक्ट्रिक वर्जन। हालांकि इस स्कूटर का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है आपको। और फ्रेम में आप मेरे देख रहे हैं हेजल नट कलर में और रोज रेड में, हमारे साथ बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इनकी रेंज है, क्या इनकी पावर है, और ये सबसे मेन चीज यूपी और दिल्ली एनसीआर में इन पर आपको क्या सब्सिडी मिलती है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ही वीडियो आगे प्रोसेस कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये की देखो, बड़ी प्यारी सी आपको ये की दी गई है। गाड़ियों में भी ना यार आजकल इस तरह की इतनी प्यारी सी की आपको नहीं मिलती है। ये जो की है सेंसर के साथ आपको मिल जाती है और ऐसा कुछ इसका फ्रंट डिजाइन दिया गया है। एंड इसमें एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, यहाँ आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम है, यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट इसके चारों तरफ यूज किया गया है हेडलाइट पे, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का क्रोम एक्सेंट मिल जाता है, यहाँ भी आपको सिल्वर कलर का यूज किया गया है। ऐसे कुछ इसमें टर्न इंडिकेटर्स हैं जिसमें भी सिल्वर आपको अच्छा खासा दिखाई देता है। हेजलनट कलर है, अभी जो फ्रेम में आप देख रहे हैं रेड कलर एक इसका यहाँ पर खड़ा है। और बॉडी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका यहाँ को फाइबर मिल जाता है, यहाँ पर मेटल है और यहाँ अगेन आपको फाइबर मिल जाता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो की है उसे स्विच करने की जरूरत नहीं है, सेंसर लगे हैं की में, ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है, प्रेस करना पड़ता है आपको सिर्फ ये एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया है और अभी आप यहाँ देखेंगे 1 से 2 सेकंड के अंदर ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। फ्रंट से कुछ इस तरह की इसकी लाइटिंग है, यहाँ पर राउंड आपको एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो टर्न इंडिकेटर आपको जैसे आजकल आपने देखा होगा गाड़ियों में क्या होता है, रनिंग टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, सेम वैसे ही आपको चेतक में मिलते हैं। मतलब ये रनिंग है, ये नॉर्मली आपका होता क्या है, एक बल्ब दिया होता है नॉर्मल स्कूटर्स में, इसमें क्या है, इसमें रनिंग इंडिकेटर्स है। सेंटर में आपको यहाँ कुछ इस तरह से राउंड एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रेंज की इन्फॉर्मेशन, बैटरी की इन्फॉर्मेशन, अभी ये न्यूट्रल में है, कितना ट्रिप है आपका, क्या आपकी स्पीड चल रही है और क्या टाइमिंग चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल में है तो इसके ड्राइव मोड्स कैसे चेंज होंगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको ये स्विच दिए गए हैं। ड्राइव को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आप नॉर्मल इको स्पोर्ट्स मोड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपको रिवर्स मोड दिया गया है, यहाँ ये टर्न इंडिकेटर के लिए है। इसके साथ ही लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड के स्विचेस की, तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम मिल जाता है, यहाँ टर्न इंडिकेटर के लिए आपको स्विच मिल जाता है, यहाँ लाइटिंग के लिए मिल जाता है, यहाँ आपको ये हॉर्न के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर ना आपको एकदम सिंपल सी डिस्प्ले दे रखी है राउंड में, बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी इसका जो है इंडिकेटर ऑन है, उसे बंद कर देते हैं, अभी ये बंद हो गया है, लाइटिंग का भी आई थिंक स्विच ऑन है, बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको इसमें भी ये मिरर्स मिल जाते हैं। तो राइडर के राइट साइड में आपको मैंने भी बताया यहाँ पर ये स्विचेस मिल जाते हैं, ड्राइव का, रिवर्स का, मोड का, टर्न इंडिकेटर का। ये जो स्विच है भाई ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मैं ये स्विच जो है प्रेस करती हूँ और यहाँ आप ये देखेंगे स्टोरेज स्पेस जो है बड़े आराम से ओपन हो गया। अब इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, सबसे पहले वही इसमें देख लेते हैं ये क्या रखा हुआ है। तो ये है इसका चार्जर, चार्जर साथ के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, चार्जर इसका कुछ ऐसा इसमें आपको मिल जाता है और चार्जर का जो स्पेस है वो बड़े इजीली यहाँ पर आप इसे फिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर स्ट्रिप के साथ आपको मोबाइल रखने का स्पेस दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इसे मोबाइल को यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना आपको ये स्ट्रिप दी गई है, आप मोबाइल रखिए, खड़ा किए और ये स्ट्रिप लगा दीजिए, आपका मोबाइल एकदम यहाँ पर सेफ रहेगा। मतलब यहाँ चार्जिंग पर लगाकर यहाँ मोबाइल प्लेस आप इजीली कर सकते हैं। तो भाई ये स्पेस जो है इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब सेम स्विच का एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने ये एक बार प्रेस किया था, मैं इसे डबल प्रेस करती हूँ। डबल प्रेस करने पे क्या होता है, डबल प्रेस करने पे खुल जाता है आपका बूट स्पेस। तो ऐसा कुछ इसमें आपको बूट स्पेस दिया गया है, एक फुल फेस हेलमेट जो है बहुत ही आराम से इसमें आपका आ सकता है। तो ये है आपका चार्जिंग सॉकेट, यहाँ चार्जर आप लगाकर नॉर्मली इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। बैटरी इसकी यहाँ पर प्लेस की गई है,
जो कि रिमूवेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको सिंगल पीस सीट मिलती है, दो लोग बड़े आराम से इस पर बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। और पीछे की तरफ पिलियन राइडर के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब रेल भी मिल जाती है, और ग्रैब रेल के ऊपर थोड़े से आप देखेंगे तो लेदर फिनिश के साथ आपको सीट के सेम कलर का यहाँ पर ये हैंडल मिल जाता है। रियर की अगर मैं बात करूँ तो रियर से ना स्कूटर देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर सेम जैसे फ्रंट में आपने देखे थे उस तरह के इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, और इनके चारों तरफ ये सिल्वर एक्सेंट जो दिया गया है उसकी वजह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और सेम विद द फ्रंट, जैसे फ्रंट पे आपको ये लाइनिंग दी गई थी, यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग के साथ ग्रिल टाइप मिलती है, उसी तरह से आपको रियर में सीट के जस्ट नीचे मिलती है। और चेतक की बहुत ही प्यारी थी, यहाँ पर आपको ये बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और यहाँ ऑब्वियसली बात है आप नंबर प्लेट यूज कर सकते हैं। तो रियर लुक आप एक बार इसका दूर से देखिए, बहुत ही प्यारा रियर लुक लग रहा है। पिलियन राइडर के सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर फुट पैड भी मिल जाता है, और फुट पैड जो है वो सेम कलर का है, मतलब ये हेजलनट कलर है सिल्वर के साथ, तो फुट पैड पे भी यही कलर दिया गया है, जिसकी वजह से स्कूटर की जो प्रीमियमनेस है ना वो काफी बढ़ जाती है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको मिलती है 3 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी, जो सिंगल चार्ज में आपको देती है 85 से 90 किलोमीटर तक की रेंज। दो मोड आपको इसमें मिलते हैं, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि रेंज इस बात पर डिपेंड करती है कि आप स्कूटर को कौन से मोड पर चला रहे हैं और आपकी स्पीड कितनी है। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो इसकी टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर तक आप इसका एक्सेलरेशन जो है वो चला सकते हैं। चार्जिंग पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 750 वॉट का इसमें पोर्टेबल चार्जर आपको मिलता है, जो बैटरी को फुल चार्ज करता है 5 से 6 घंटे के अंदर। और अगर आप फास्ट चार्जर से इसे चार्ज करते हैं तो इसकी बैटरी को चार्ज होने में लगता है सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में आप 25% तक इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी सिंगल वेरिएंट में सेल होता है प्रीमियम। आप फ्रेम में देख रहे हैं हेजल नट कलर इसका ये अवेलेबल है, इसके अलावा 3 कलर ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं। प्राइस की मैं बात करूंगी और मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसकी सब्सिडी आपको इस स्कूटर पर कितनी मिलती है। तो यूपी में जो सब्सिडी है वो आपकी इस पर मिलती है लगभग 43,500 के आसपास। यूपी में अगर आप देखेंगे जो इसकी कॉस्ट है उससे ये आपको 43,500 कम पड़ता है। इसके यहाँ पर प्राइस है ऑन रोड लगभग 1,74,000 के आसपास। वहीं दिल्ली में अगर आप देखेंगे एज आई स्टेट की, वहाँ पर स्टेट सब्सिडी भी एड ऑन हो जाती है, तो दिल्ली में इसका जो प्राइस आपको पड़ता है वो पड़ता है लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास। तो इस प्राइस रेंज में यह स्कूटर वर्थ है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, और ईमेल भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एक नए व्हीकल का वीडियो।